हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? यहाँ पर UPNM रिजल्ट को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। जितने भी एस्पायरेंट यहाँ पर, जिन लोगों ने यहाँ पर DB करा लिया है, DB करा करके बस सुबह शाम यहाँ पर इंतज़ार ही इंतज़ार है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप सुबह शाम सोच रहे हैं अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। आप वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ENM रिजल्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी काफ़ी इंतज़ार बढ़ चुका है। सब कुछ हो चुका है, DB भी कंप्लीट हो गई है, कंपटीशन भी काफ़ी कम है। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक होंगे उनका सिलेक्शन इसमें 100% है। लगभग लगभग दोस्तों यहाँ पर 12 से 14 हज़ार के आसपास कंपटीशन है और इसमें सारे लोग का सिलेक्शन तय है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट कब तक आएगा और कितने टाइम आपको अधिकतर लेना पड़ सकता है। अब यहाँ पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, यह बिल्कुल विभाग का, आयोग की गलती है। यहाँ पर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर आपको देना चाहिए था कि रिजल्ट रोकने का मेन वजह क्या है। अभी तक ये हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वही हम आप तक शेयर करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है किसी भी सोर्स के माध्यम से, हम आपको किसी न किसी माध्यम के द्वारा आपको सब जरूर हम वीडियो बना करके बताते हैं कि हाँ रिजल्ट जो है इस दिन आने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये होने वाला है, वॉट एवर। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। कट ऑफ की वीडियो हमने बना दिया है, अगर आपको देखना है तो आप जाकर के देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में कि फीमेल मेल SC ST OBC कैटेगरी वाइज यहाँ पर, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके साथ क्या होगा, उनको क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेगा, वो जो भी कुछ होगा वो सब कुछ मैंने वीडियो डिटेल में बना दिया है। जाकर प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं और वहाँ पर आपको सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। रिजल्ट को लेकर के जो भी इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक सिर्फ एक अनुमान ही लगा सकता है कि रिजल्ट जो है कब तक आने वाला है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर संविदा पे काम कर रहे हैं लेकिन उनका जो है पेट क्लियर नहीं है, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनका संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और उन लोगों ने पेट में एग्ज़ाम भी दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या नियम होने वाला है, कितना भरांक मिलेगा संविदा कर्मी को, और कुछ न कुछ नियम जो है ज़रूर यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए काफ़ी दिक्कत है जो कि यहाँ पर एज में छूट लेना चाहते हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले हैं। रिज़र्व कैटेगरी के यहाँ पर एज को प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 साल और 3 साल का जो छूट मिल रहा है वो उनको मिल रहा है, जिससे कि उनको यहाँ पर एज में दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर अन रिज़र्व कैटेगरी वालों को हो रही है, एज वाली समस्या। तो इसको भी लेकर के क्या हो रहा है, क्या होगा आगे जो है वीडियो में ज़रूर हम बताएंगे। रही बात रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट कब तक आएगा और कब नहीं आएगा, इसके बारे में दोस्तों अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जितनी उम्मीदें लगाई जा रही थी वो सभी चीज़ लगाई जा चुकी है। अब जब भी कोई नई नोटिस आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।